बांसुर में 23 फरवरी को दिन दहाड़े भरे बाजार में युवक पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया। भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी 2 मार्च को बांसुर थाने पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए कहा कि फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत के साथ गिरफ्तार किया। सभी आरोपी हार्डकोर हैं, बाकी आरोपी की तलाश जारी है, लेकिन बांसुर पुलिस ने मामले में कोई खुलासा नहीं किया है। गौरतलब है कि बांसुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं और अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। कस्बे में जो फायरिंग हुई है उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को नामजद किया था और उन सब तभी से आज 3-4 रोज हो गए पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही है। अपराधी बड़े शातिर और बहुत हार्डकोर टाइप के थे, कभी पहाड़ों में छुपे हुए थे, सरसों को खेतों में छुपे हुए थे। पुलिस उनका पीछा लगातार करती रही, अंततः वो पंजाब की साइड भाग गए और पुलिस दल उनके पीछे लगे रहे। इनमें से हमने 3 आरोपियों को मैं हथियार गिरफ्तार कर लिया है और बाकी जो अपराधी बच्चे हैं उनके भी लगातार पीछे पुलिस दल लग रहे हैं।